हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं परफेक्ट मोबाइल सॉल्यूशन। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक ऑनलाइन कस्टमर है और अल्ट्रा व्यूवर का यूज करके मैं इनके लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका हूँ, ठीक है। और आज की जो वीडियो दोस्तों आईकाल S2KFRP को लेकर है। मॉडल नंबर एक बार रिपीट कर देता हूँ, आईकाल S2, ठीक है। तो ये मॉडल है, थोड़ा मैं आपको इसकी पिक्चर में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाला मॉडल है दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखिए ये वाला मॉडल है आईकाल S2, ठीक है। आप देखिए ये वाला मॉडल है, ठीक, ये वाला मॉडल है और इसका एफआरपी बाईपास करना है। अनलॉक टूल का यूज करके आप बहुत आसानी से इसका एफआरपी लॉक रिमूव कर सकते हैं। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। अनलॉक टूल मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लूंगा। और अगर आपको किसी भी ब्रांड की कोई भी डिवाइस घर बैठे बैठे अनलॉक करवानी हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, आईकाल S2 दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या होता है, ये पता करना होता है कि आपके डिवाइस में कौन सा सीपीयू है। ओके, ये चीज ध्यान दीजिए, किसी भी डिवाइस को अनलॉक करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता करना होता है कि आपके डिवाइस में कौन सी आईसी है, ठीक है। तो इसके लिए आप गूगल ओपन करेंगे, अगर यहाँ पे आप लिखेंगे आईकाल S2, ठीक है, सीपीयू टाइप, ओके, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो आपको मतलब यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसी डिटेल आपको देखने को नहीं मिल रही जिससे आपको इसका पता चले कि कौन सा इसमें सीपीयू है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, लेकिन सीपीयू तो पता चल गया इसमें मेरे को बहुत इजीली, क्योंकि इसमें एसपीडी सीपीयू है, लेकिन सीपीयू टाइप कौन सा है, जो सीपीयू का नंबर होता है वो कौन सा है, ये पता करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन मैंने बहुत मेहनत से ये पता किया तो पता चला दोस्तों कि इसमें जो सीपीयू है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, इसमें मैंने एक पेज ओपन किया तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल पता चल गई। और इसमें जो सीपीयू है दोस्तों, आप देख सकते हैं यूनिसॉक T606 वाला सीपीयू यानी कि प्रोसेसर इस डिवाइस में है, ठीक है। तो इस डिवाइस का एफआरपी बाईपास करके मैं अनलॉक टूल का यूज करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनलॉक टूल ओपन हो रहा है, ध्यान दीजिए ये एक ऑनलाइन टूल है। और अगर आपको किसी भी ब्रांड की कोई भी डिवाइस मुझसे अनलॉक करवानी हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अभी ये अनलॉक टूल ओपन हो चुका है, मैं सबसे पहले इसे अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आईडी और पासवर्ड मैंने एंटर कर लिया है और उसके बाद मैंने लॉगिन पे कर दिया, कुछ ही सेकंड में ये टूल पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये ऑनलाइन टूल है, तो अगर आप कोई भी डिवाइस ऑनलाइन अनलॉक करवाते हैं तो आपको चार्जेस देने होंगे, क्योंकि ये टूल पेड है, ओके। तो यहाँ पे देखिए अनलॉक टूल पूरी तरह से लॉगिन हो चुका है और ये देखिए अनलॉक टूल पूरी तरह से ओपन हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आईकाल नाम से आप देखेंगे सारे ब्रांड्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, देखिए MI, सैमसंग, हुआवे, ओप्पो, वीवो, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आपको आईकाल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो आईकाल में जो आईसी होती एसपीडी यानी कि स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम जो ड्राइवर होता है, एसपीडी ड्राइवर, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ एसपीडी पे क्लिक करेंगे क्योंकि इसमें स्पेक्ट्रम आईसी है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, ये सर्वर अगर चेक है तो ठीक है, नहीं चेक है तो इसको अनचेक करिए। उसके बाद ब्रांड पे आइए, ब्रांड पे आने के बाद दोस्तों आपको एसपीडी जेनरिक देखने को मिलता है, आप इस पर क्लिक करिए, ठीक है। और यहाँ मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए ये मॉडल नंबर है, यहाँ पे जो प्रोसेसर लगा है देख सकते हैं यूनिसॉक T606, ये वाला प्रोसेसर इसमें लगा है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ सेलेक्ट मॉडल पे आना है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए T606 करके यहाँ पे देखिए दो आईसी आपको देखने को मिल रही है। आप ये देखिए T606 64 बिट वाला है और ये देखिए ये भी 64 यानी कि V1 है और ये V2 है। मैं पहले इन्हीं दोनों पे ट्राई करेंगे तो आपके डिवाइस का एफआरपी बाईपास हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूं और उसके बाद मैं इरेज एफआरपी पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये देखिए इरेज एफआरपी में मैंने क्लिक किया, यहां से डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेता हूं क्योंकि जब डिवाइस पीसी से कनेक्ट होगी तो यहाँ पे पोर्ट शो करेगा, ठीक है। तो ये मैंने डिवाइस मैनेजर थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं। अब मैं कस्टमर को बोलूंगा कि डिवाइस को पीसी से कनेक्ट करें। ये देखिए डिवाइस पीसी से कनेक्ट हुई, यहाँ पे एसपीआरडी पोर्ट शो किया और यहाँ पे प्रोसेस होने लगा और यहाँ पे देखिए एसपीडी ड्राइवर इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे भी पोर्ट शो कर रहा है। कुछ ही सेकंड में इस डिवाइस का एफआरपी बाईपास हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए प्रोसेस हो रहा है, ड्राइवर आपको इंस्टॉल करके रखना है, अगर आपने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया तो डिवाइस पीसी से कनेक्ट नहीं होगी। और ये देखिए इरेजिंग एफआरपी ओके का मैसेज आ गया, यानी कि डिवाइस का एफआरपी पूरी तरह से बाईपास हो गया। डिवाइस को कनेक्ट करने का तरीका एक बार फिर से बता देता हूँ, स्विच ऑफ करके रखिए, सिर्फ डाउन बटन को प्रेस करके रखेंगे और केबल लगाएंगे। अगर आपने ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल किया है तो आपकी डिवाइस पीसी से कनेक्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस है आईकाल S2 का FRP बाईपास करने का। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।